Good morning, students. How are you all? Hope you have done your exams well. So, today I am going to discuss the answers of your GK test paper. Some students have done very nicely, attend very nicely in your GK exams, but some students got less marks because they haven't. seen the video carefully and they they have lot of confusion well it's okay now you have got the concept the pattern of paper so it's from the next time you will prepare like this आपने देख लिया होगा पेपर का पैटर्न क्योंकि काफी चीजें कंटेंट के अंदर से आई थी वीडियोस के अंदर से आया था तो next time आप इस इस बात का ध्यान रखेंगे और हर हर एक वीडियो को हर एक कंटेंट को आप ध्यान से पढ़ेंगे बिकॉज आई कैन आस्क एनी थिंग इन द एग्ज़ाम सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो तो हाँ आज हम जी के टेस्ट पेपर का डिस्कस करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि मैम प्लीज़ आंसर्स बता दीजिए क्लियर कर दीजिए जो डाउट्स हैं तो आई एम गोइंग टू शेयर डैट

क्वेश्चन का मतलब था कि अगर हम सेफ्टी रूल्स को नजरअंदाज करते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं सेफ्टी रूल्स को तो पीपल क्या हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है द आंसर इज़ इंजर्ड यू कैन सी द आंसर पार्ट इज़ हाईलाइट इन बोल्ड जो आंसर पार्ट है वो मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि आप उसको आराम से डिस्टिंगश कर सकें आंसर को सो यू कैन सी द आंसर इज़ इंजर्ड मीन्स जब हम सेफ़्टी रूल्स को अनदेखा करते हैं नज़रअंदाज करते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो हम तो क्या होगा ऑलमोस्ट हम इंजर्ड हो जाएंगे हमारे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे हमें चोट लगेगी तो आंसर इज इंजर्ड इंजर्ड मीन्स कुछ दुर्घटना हो जाना या चोट लगना द आंसर इज सी ऑप्शन सी इंजर्ड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देर आर डैश टाइप्स ऑफ रोड साइंस इन इंडिया अब मैंने आपको पढ़ाया भी था कि कितने टाइप्स के रोड साइन होते हैं इंडिया में काफ़ी बच्चों ने फाइव आ, फाइव मार्क्स किया है ऑप्शनस में तो फाइव कहाँ से था आपने उस चीज़ को मार्क कर लिया जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजे थे ना जो ट्रैफिक पुलिस के पिक्चर्स थे वो फाइव सिक्स पिक्चर्स थे तो काफ़ी बच्चों ने उसको मान लिया वो बेटा वो साइंस नहीं थे वो रोड साइन जो प्रॉपरली इंडिया, इंडिया में था मेन तो तीन ही थे साइन आंसर इज़ थ्री फर्स्ट था आपका कॉशनरी साइंस देन मैंडेटरी साइंस एंड द थर्ड इज़ इन्फॉर्मेटरी साइंस ये तीन साइंस हैं जो इंडिया इंडिया के तीन साइंस थे तो द आंसर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी थ्री थ्री साइंस थे कॉशनरी साइन मैंडेटरी साइन एंड इन्फॉर्मेटरी साइंस क्वेश्चन नंबर थ्री नेवर स्टिक डैश आउटसाइड द वहीकिल हमें कभी वहीकिल गाड़ी के बाहर साइड में क्या नहीं निकालना चाहिए कुछ बच्चों ने लिखा है आइस आप आइस कैसे निकालोगे बेटा मैंने आपको पिक्चर भी सेंड किया था ये पर्सनली मैंने बाई ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी मैंने आपको एक एक कंटेंट भेज भेजा था कि आप हर चीज़ पढ़ेंगे मगर कुछ बच्चों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं, नहीं लिया तो नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे हर चीज़ को लेके जो भी कंटेंट मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो वो कंटेंट मैं आपको पिक्चर्स के फॉर्म में भी ग्रुप में या फिर आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके पर्सनल नंबर में भी सेंड करूँगी तो आप हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर है हैंड मतलब हम गाड़ी के बाहर क्या नहीं निकालेंगे क्या नहीं निकालना चाहिए हमें हैंड अपने हमें अपने हाथों को गाड़ी के बाहर नहीं निकालना चाहिए द आंसर इज ऑप्शन डी हैंड्स क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया नौहेरा फोर रोशन पुणे कटनी पटना एंड भोपाल द आंसर इज कटनी कटनी कौन से स्टेट में था मध्य प्रदेश में है तो सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया का कहाँ है कटनी इन मध्य प्रदेश नौ क्वेश्चन नंबर फाइव द हरप्पन पीपल यूज़ द डैश लैंग्वेज हरप्पन पीपल थे वो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे द आंसर इज ड्राविडियन लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे वो ड्राइविडियन लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर सिक्स मे ही सेंस स्विम एक इंग्लिश चैनल इन दयर यहाँ पर ईयर मैंशन किया है आप जो कौन से ईयर में उन्होंने जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था दर इज़ नाइनटीन सिक्सटी सिक्स मैंने आपको ये नोटबुक में भी लिखवाया था क्वेश्चन नंबर सेवन द फर्स्ट इंडियन पायलट अब इसमें जो बच्चों ने एग्जैक्टली exactly पॉइंट किया है आंसर कॉन्ग्रेट्स टू स्टूडेंट्स आप लोगों ने बच्चों ने लापरवाही की है कि पर्टिकुलर नाम दिखा नहीं इसका मतलब आपने कॉपी में भी ध्यान से पढ़ा नहीं है कि नाम था जे आर डी टाटा काफ़ी बच्चों ने किया है ये वेरी गुड और जिन्होंने मिस्टेक किया है तो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे पर एक एक स्पेलिंग को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जी आपका जो सिलेबस है वो मोस्टली पॉइंट वाइज में ही आएगा आपको क्योंकि कोई इसमें डिटेल पैराग्राफ नहीं है कि आप उसको पढ़े जैसे आपके और सब्जेक्ट्स में होते हैं द आंसर इज़ ऑप्शन बी जे आर डी टाटा क्वेश्चन नंबर एट टेन ईयर ऑफ इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर मतलब जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी वो कितने कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक वो एज ए प्राइम मिनिस्टर थी तो द आंसर इज़ 1966 टू 1977, 1966 से लेके 1977 तक वो एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी क्वेश्चन नंबर नाइन डब्ल्यू टी रिलेटेड टू विच गेम्स एंड स्पोर्ट्स द आंसर इज़ टेनिस डब्ल्यू टी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था वुमेंस टेनिस एसोसिएशन तो वो किससे रिलेटेड था किसको मिला था ये टाइटल सानिया मिर्जा को और सानिया मिर्जा कौन से गेम से रिलेटेड है टेनिस से है तो आंसर क्या है इसका टेनिस क्वेश्चन नंबर टेन नेम द मोस्ट एशियन कल्चर ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे फोर ऑप्शन दिए थे बुद्धिज़्म वैदिक परिस्तास अरबिक एंड वैदिक कल्चर तो आंसर क्या है करेक्ट आंसर वैदिक कल्चर क्वेश्चन नंबर इलेवन एनसिस्टर्स ऑफ कौरवास एंड पांडवास अब जो कौरवास थे और पांडवास थे कौरवास कौन दुर्योधन ये सब कौरवास थे और पांडवास पांडवास कौन थे पांडव कौन थे युधिष्ठिर अर्जुन भीम तो ये सब पांडवास थे तो इन दोनों के एनसिस्टर्स मतलब होते हैं पूर्वज तो इनके पूर्वज, तो इनके पूर्वज कौन थे तो इनके पूर्वज कौन थे भारत और भारत कौन था शकुंतला और दुष्यंत राजा का बेटा था भरत तो भी भरत ये कौरवाज और पांड्यास के पूर्वज थे उनके एनसिस्टर्स थे तो करेक्ट आंसर क्या है ये भरत क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेलेक्ट द करेक्ट नेम अब मैंने जो नेम था वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं किया था आपको क्या करना था इसे प्रॉपर ऑर्डर में नेम को सेलेक्ट करना था तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी मीरा साहिब फ़ातिमा बीवी इसमें भी बच्चों ने काफ़ी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है लेकिन मोस्टली बच्चों ने मिस्टेक्स किए हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन हु इज नोन एज क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड किसे बोला गया है कि, किसे हम पहचानते इस इस टाइटल से द आंसर इज़ पी टी ऊषा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन नेम द कंट्री वेयर आनंदी बाई गोपाल राव जोशी कंप्लीट हर स्टडीज़ इन मेडिसिन अब जो आनंदी बाई गोपाल राव जोशी थी वो कौन थी फर्स्ट इंडियन लेडी डॉक्टर थी तो उन्होंने जो मेडिसिन की स्टडी करी थी वो कौन से कंट्री से करा था तो कंट्री था ही वो यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो उन्होंने अमेरिका से मेडिसिन की स्टडी किया था और लास्ट क्वेश्चन इज़ मिताली राज कोड टू हंड्रेड फोर्टीन रन्स इन टू थाउजेंड फोटीन अगेंस्ट विच कंट्री अमिती राज ने टू थाउजेंड फोर्टीन रन स्कोर किए थे बनाए थे इन द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन लेकिन वो किस कंट्री के अगेंस्ट उन्होंने बनाया था द आंसर इज़ न्यूज़ीलैंड न्यूजीलैंड के साथ जब वो टू थाउजेंड फोर्टीन में वो क्रिकेट मैच खेल रही थी तो उन्होंने उस मैच में टू थाउजेंड फ़ोटीन रन स्कोर किया था सो दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ योर जी के क्वेश्चन पेपर आई होप एवरी डाउट इज़ क्लियर आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीक से हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओके थर्टी फर्स्ट को आपका ए आर पी में रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा आप आप वहाँ पे अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स टेक केयर बाय